तो ना घर ना एक बालिश बालिश जमीन का भी मैं मालिक नहीं था। शौक खानदानी रखे हुए थे हमने, दुकान पकौड़ों की थी, बातें करोड़ों की, शौक खानदानी होने चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने जब पैगाम भेजा, उन्होंने कहा कैसे रखोगे भाई, वही हुआ ना, अरे भाई, मैंने कहा अरे भाई, वही की जरूरत नहीं है भाई, आप लोग यहाँ रहते हैं। अब जाहिर है जब निकाह होगा तो एक रात जब मैं पहली सौजा के पास हूँगा, दूसरी तो अकेली होगी ना, तो वो कहाँ रहेगी। तो भाई ससुराल के करीब ही कोई ले लेता हूँ घर। तो वहाँ एक कमरे का घर मुझे किराए पे मिला, 2500 किराया था उसका। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा फ़िलहाल ये है, ठीक है ना, कमरा बड़ा है उसका, एक किचन है, एक वॉशरूम है, फ़िलहाल रुख्सती कर लें, इधर भी तो रह रही है ना, पार्सल कर दें वहाँ पर, ठीक है ना। जब मैं वहाँ हूँगा तो ये वहाँ होगी, नहीं है मैं जिस दिन हुआ तो अपने अम्मा के घर में रहे भाई। कम से कम माँ बाप की जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई ना, कि बच्ची की शादी नहीं हो रही, मियाँ भी मिल गया, ख़र्चा भी मियाँ दे रहा है, पार्सल कर दो यहाँ से वहाँ। ऐसा ही हुआ, निकाह की फ़ौरन डेट मुतय्यन हुई है, और चूँकि दूसरी शादी छुप के ही होती है, वरना आदमी पकड़ा जाता है। छुप के मतलब ये नहीं कि हमेशा छुपा के, ऐन वक्त नहीं बताना पड़ता, ऐन वक्त पे बताओगे तो ससुराल से पिटोगे। तो मैंने कहा बाद में पिट जाएँ, दूल्हा बना हुआ बैठा हूँ फिर पिटूँ, ये सही नहीं है, इतना मैं कुर्बानी नहीं दे सकता, बाद में बता दूं, रुखसती हो जाए फिर बता देंगे, लेकिन ऐन वक्त पे बताना कुछ भी हो सकता है। तो उसमें फिर ये हुआ कि भाई निकाह पड़ा हुआ यार। तो ऐसे ही हुआ, मैं गया, मैंने कहा भाई, मेरे दो चार दोस्त थे, दो चार जो बहुत बहादुर थे, वो आ गए ऐन वक्त पे, 8-10 भाग गए वो। उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ते भाई इस मामले में। तो बैठे हैं भाई, वही हुआ, निकाह हो गया, तो रुखसती हो गई, हम ले गए उस घर में। और जब हम पकड़े गए, पता चल गया भाई दो हैं, तो जो भी पिटना था पिट गए। सही है ना। तो यही होता है, जिस रात मेरी बारी नहीं होती, घर वाले अपने वालदैन के घर में। उस वक्त का सोचो, फिर जाहिर है जब इंसान निकाह करता है तो अल्लाह का भी हुक्म पूरा कर रहा है ना, तो अल्लाह ने भी वादा किया है कि मैं वसाइल दूंगा। तो जैसे जैसे बच्चे होते गए, वसाइल भी बढ़ते चले गए, फिर एक कमरे वाले घर से थोड़े अरसे में हम दो कमरों वाले घर में आ गए, फिर तीन कमरों वाले घर में आ गए। आई बात समझ में। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे 5 बच्चे हैं और अच्छा घर है मेरा। अगर मैं उसी वक्त सोचता रहता, ओ भाई कहाँ से पूरे होंगे, तो बैठा होता अब तक ऐसे के ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं। हकीकत मेरे वो दोस्त जो ये करते रहे ना, ओ भाई कहाँ से पूरे होंगे, अब तक 40-40 साल के हो गए, कमा रहे हैं, चेहरों पर रौनकें ख़त्म, हर वक्त बटवे में पैसे ही देखते रहते हैं, भई करते रहते हैं। तो निकाह को हल्का लो यार, पार्सल का इंतज़ाम है हमारे यहाँ। फिलहाल 2500 का ही मैं ले सकता था उस वक्त, 2005 की बात है। तो मैंने कहा भाई ये घर है, ये यहाँ रह लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के वसाइल खुलते चले जाते हैं। वैसे भी जब आदमी पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है, तो कमाने की भी फिर उसी तरह जिम्मेदारी से सोचता है वो, उसको पता है भाई ये पाल तो लिए, टेंशन खिलाना मैंने, फिर वो संजीदा भी होता है।